Hello students and welcome to Virtual Learning Network. This is session 5 for Parallel Computing and here we will study Parallel Algorithms. The topics covered are Parallel Algorithms, Analysis of Parallel Algorithm, Different Modes of Computation, Combinational Circuits, Parallel Access Random Machines, Interconnection Networks, Matrix Computation, Concurrently Read and Concurrently Write, Concurrently Read, Exclusively Write. Now first is parallel algorithms. Now what are algorithms? Algorithm is defined as a sequence of computational steps required to accomplish a specific task. The algorithm works for a given input and will terminate in a well-defined state. Okay. Algorithm जो होता है वो एक sequence of steps होते हैं जिनका एक result निकलता है for initial values. हमारे पास इनिशियल वैल्यू होना ज़रूरी है एल्गोरिथम के लिए ताकि हमें एक डेफिनेट आउटपुट मिले. बेसिक कंडीशंस ऑफ एन एल्गोरिथम आर इनपुट, आउटपुट, डेफिनेटनेस, इफेक्टिवनेस एंड फाइनाइटनेस. इनपुट जो हमारी इनिशियल कंडीशंस हैं, आउटपुट जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट. डेफिनेटनेस कि हर स्टेप जो है वो दूसरे से बिल्कुल अलग है, एक स्टेप एक टास्क परफॉर्म करेगा. इफेक्टिवनेस कि एफिशिएंट होना चाहिए हमारा एल्गोरिथम, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए एंड दैट इज नोन एज फाइनाइटनेस. द पर्पस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एल्गोरिथम इज टू सॉल्व अ जनरल वेल स्पेसिफाइड प्रॉब्लम. नाउ पैरेलल एल्गोरिथम, अ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्वड आफ्टर डिवाइडिंग इट इनटू सब प्रॉब्लम्स एंड दोज इन टर्न आर एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल. एल्गोरिथम्स डूइंग दिस टास्क आर कॉल्ड पैरेलल एल्गोरिथम्स. एक प्रॉब्लम को सॉल्व करें हम तो अगर एक प्रॉब्लम को हम सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दें तो फिर इस टास्क को हम और इन प्रॉब्लम्स को अलग अलग हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो वो पैरेलल एल्गोरिथम कहलाता है. नाउ एनालिसिस ऑफ पैरेलल एल्गोरिथम, हम पैरेलल एल्गोरिथम्स को तीन फैक्टर्स पे एनालाइज कर सकते हैं. फर्स्ट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सेकेंड इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसर्स रिक्वायर्ड and third is cost involved. Now we will discuss them one by one. First is time complexity. Time complexity is calculated on the basis of the total number of steps executed to accomplish the desired output. Time complexity होती है कि हमारा algorithm को execute करने में कितना time लगा. इसको हम three types से specify कर सकते हैं. First है best case complexity, मतलब द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय द एल्गोरिथम फॉर द गिवन आउटपुट, कि उसे कम से कम कितना टाइम लग रहा है वो हमारा बेस्ट केस होता है. नेक्स्ट है एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी, द एवरेज रनिंग टाइम रिक्वायर्ड बाय द एल्गोरिथम फॉर अ गिवन इनपुट, कि उसे एवरेज टाइम कितना लग सकता है या लग रहा है. थर्ड इज worst case complexity, the maximum amount of time required by the algorithm for a given output, यानी कि maximum time उसे कितना लग रहा है वो हमारा worst case होता है. Now asymptotic notations, हम इससे भी analyze कर सकते हैं हमारे parallel algorithm को and these notations are theta notation, big O notation and omega notation. Now एक और speed up factor होता है जिससे हम अपने algorithm को एनालाइज कर सकते हैं एंड स्पीड अप इज इक्वल टू वर्स्ट केस रनिंग टाइम ऑफ सीक्वेंशियल एल्गोरिथम डिवाइडेड बाय वर्स्ट केस रनिंग टाइम ऑफ पैरेलल एल्गोरिथम. सेकंड फैक्टर इज नंबर ऑफ प्रोसेसर्स, फॉर अ गिवन इनपुट साइज, इनपुट ऑफ साइज से एन, द नंबर ऑफ प्रोसेसर्स रिक्वायर्ड बाय द पैरेलल एल्गोरिथम इज अ फंक्शन ऑफ एन, यूजुअली डिनोटेड बाय टीपी एंड टीपी इज टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसर्स. सो नंबर ऑफ प्रोसेसर्स एज अ नेम सजेस्ट कि हमारे कितने प्रोसेसर्स यूज हो रहे हैं पैरेलल एल्गोरिथम को प्रोसेस करने के लिए, तो वो हमारा टीपी से डिनोट होता है. थर्ड इज ओवरऑल कॉस्ट, एंड कॉस्ट इज डिफाइंड बाय टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसर्स एंड एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्स्ट केस रनिंग टाइम ऑफ सीक्वेंशियल एल्गोरिथम अपॉन कॉस्ट ऑफ पैरेलल एल्गोरिथम. नाउ different models of computation, we have three kinds of models. First is combinational circuits, second is parallel random access machines and third is interconnection networks. Now first, combinational circuits,
connected arrangement of logic gates with a set of m input lines and a set of n output lines is combinational circuit. इसमें हमारे लॉजिक गेट्स की अरेंजमेंट होती है, यानी कि कॉम्बिनेशन में हमारे लॉजिक गेट्स जो है वो अरेंज होते हैं, जिसमें m इनपुट लाइंस होती हैं एंड n आउटपुट लाइंस होती हैं. जैसे कि हमारा, आप ये देख सकते हैं डायग्राम, जो सेकंड डायग्राम है, इसमें हमारे एक स्टेज में 4CC स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशनल सर्किट. एक स्टेज में 4 सर्किट्स हैं एंड वी हैव 4 स्टेजेस एंड द लाइंस यू सी हियर आर द इनपुट्स एंड द लाइंस इन द राइट कॉर्नर आर द आउटपुट्स. नाउ कॉम्बिनेशनल सर्किट, द पैरामीटर्स यूज्ड फॉर एनालाइजिंग अ कॉम्बिनेशनल सर्किट आर, फर्स्ट इज डेप्थ. डेप्थ इज द टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस यूज्ड इन द कॉम्बिनेशनल सर्किट स्टार्टिंग फ्रॉम द इनपुट लाइन टू द आउटपुट लाइन. सो इन आवर एग्जाम्पल द डेप्थ ऑफ दिस सर्किट इज 4, दैट वी हैव 4 we have 4 combinational circuits starting from the input to the output. And next is width, the total number of devices attached for a particular stage. Now here the width is 4, that CC11, CC2, CC3 till CCN, or you can say CC4. So here the width is 4. Now size, the count, total count of devices used in the complete combinational circuit. यानी कि हमारे total कितने devices use हुए हैं वो हमारा size होता है. तो इसी example को अगर हम consider करें तो हमारा size है 16, यानी कि 1, 2, 3, 4 and 1, 2, 3, 4. Now 4 4s are 16, यानी कि हमारे 16 हमारा size हो गया combinational circuit का. Next, पैरेलल रैंडम एक्सेस मशीन्स. नाउ वी कैन से पीरैम. सो कॉम्पोनेंट्स ऑफ पीरैम आर, फर्स्ट अ सेट ऑफ आइडेंटिकल टाइप ऑफ प्रोसेसर्स, से P1, P2, P3 टिल PN. तो सबसे पहले हमें प्रोसेसर्स चाहिए जो आइडेंटिकल टाइप के हों. सेकेंड, अ सिंगल शेयर्ड मेमोरी मॉड्यूल बींग शेयर्ड बाई ऑल द एन प्रोसेसर्स थ्रू विच द प्रोसेसर्स कम्युनिकेट. एक सिंगल शेयर्ड मेमोरी होती है जिससे सारे प्रोसेसर्स कम्युनिकेट करते हैं. एंड थर्ड, टू कनेक्ट द एन प्रोसेसर्स, एन प्रोसेसर्स को कनेक्ट करने के लिए एक मेमोरी एक्सेस यूनिट होता है, ताकि जो शेयर्ड मेमोरी है उसको सारे प्रोसेसर्स एक्सेस कर सकें. नाउ यहाँ पे सारे कॉम्पोनेंट्स दिखाए गए हैं, जैसे सबसे पहले था प्रोसेसर्स. तो P1, P2, P3 टिल PN, दीज आर दी प्रोसेसर्स. देर इज अ शेयर्ड मेमोरी एंड शेयर्ड मेमोरी इज कनेक्टेड टू दी प्रोसेसर्स थ्रू MAU, दैट इज मेमोरी एक्सेस यूनिट. Now there are three phases followed while executing an algorithm in PRAM. First is read phase, second is compute phase and the third is write phase. Read phase में values read होती हैं, processors values को read करते हैं. Compute phase में उन values को process करते हैं, यानी कि computing होती है results की. और write phase में memory में उस result को write करते हैं. Next, interconnection networks. The end processors can connect with each other through direct links. Interconnection networks में end processors जो है वो direct link से connect कर सकते हैं एक दूसरे से, और communicate करना easy हो जाता है. फिर second, each processor has an independent local memory. हर processor की अपनी एक local memory होती है. Next, matrix computation. Now if let there be two matrices M1 and M2 of sizes A into B and B into C respectively. तो इनका अगर हम product लें और उसको save करवाएं O में, तो उसका size होगा A into C and it is denoted by the this expression. और अगर हम इसको algorithm की form में लिखें तो वो ऐसे होगा. सबसे पहले एक for loop चलाएंगे हम I के लिए, उसके बाद for loop J के लिए चलेगा 1 to N तक. फिर हमने जैसे ओ आई जे हो गया हमारा प्रोडक्ट, तो उसकी इनिशियल वैल्यू हमने 0 दे दी. फिर एक के लूप चलाया 1 to N तक, और उसके बाद जो हमारा एक्सप्रेशन है यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको सेव करवाएंगे ओ आई जे में, और फिर लूप्स एंड हो जाएंगे.
तो लाइक इन दिस वे वी विल गेट मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन. नेक्स्ट इज कॉन्करेंटली रीड एंड कॉन्करेंटली राइट. दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन पीरैम एंड द प्रोसेसर्स एक्सेस द मेमोरी लोकेशंस कॉन्करेंटली फॉर रीडिंग एज वेल एज राइटिंग ऑपरेशंस. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कॉन्करेंटली रीड एंड कॉन्करेंटली राइट में प्रोसेसर्स जो है वो मेमोरी लोकेशंस को रीडिंग और राइटिंग के लिए कॉन्करेंटली एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि एक ही टाइम पे रीड भी कर सकते हैं और उसी टाइम पे राइट भी कर सकते हैं. इसके लिए एल्गोरिथम ऐसे होता है, पहले एक आई लेंगे हम, फॉर लूप चलाएंगे 1 to 10 तक, उसके बाद जे के लिए लूप चलेगा 1 to 10 तक, देन के लिए 1 to 10 तक. ओ आई जे में हमने इनिशियली 0 स्टोर करवाया, उसके बाद मैट्रिक्स 1 को और मैट्रिक्स 2 को मल्टीप्लाई करके ओ आई जे में स्टोर करवाएंगे एंड एंड कर देंगे लूप्स को. तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है O1. नेक्स्ट इज कॉन्करेंटली रीड एंड एक्सक्लूसिवली राइट. द प्रोसेसर एक्सेस द मेमोरी लोकेशन कॉन्करेंटली फॉर रीडिंग वाइल एक्सक्लूसिवली फॉर राइटिंग ऑपरेशंस. तो रीडिंग के लिए कॉन्करेंटली एक्सेस करते हैं लेकिन राइटिंग के लिए एक्सक्लूसिवली एक्सेस करते हैं. इसके लिए हमारा एल्गोरिथम है, फर्स्ट आई के लिए लूप चलेगा, उसके बाद जे के लिए, फिर हमने ओ आई जे को स्टोर करवाएंगे 0 इनिशियली, उसके बाद के लिए लूप चलाएंगे और उसमें ओ आई जे की वैल्यू स्टोर होगी एंड फिर एंड द लूप्स. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.